सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। फ्रेंड, CES 2021 में इंटेल ने जो है दोस्तों 35 वॉट TDP के प्रोसेसर्स तो अनाउंस किए थे, लेकिन साथ में मैं कहूंगा उन्होंने एक नोट भी दे दिया था कि 45 वॉट TDP वाले भी प्रोसेसर्स जो हैं आप लोगों को लगभग मई जून 2021 तक देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे कुल मिला के दोस्तों चार प्रोसेसर्स हैं 45 वॉट TDP में। i9 के दो वेरियंट है, i7 का एक वेरियंट है और i5 का दो वेरियंट है। नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों 35 वॉट TDP का टॉप एंड प्रोसेसर जो कि i7 वाला आता है, वहां पे आपको 4 कोर देखने को मिल जाते हैं और 8 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। वेरास अगर हम यहाँ पे ये 45 वॉट TDP वाले प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे कोर काउंट सीधा डबल हो जाता है और थ्रेड काउंट जो है दोस्तों सीधा यहाँ पर डबल हो जाता है। इन लैपटॉप्स की बात करूं दोस्तों 45 वॉट TDP वाले की, तो मोस्टली दोस्तों ये मैं कहूंगा कि प्रो गेमर्स के टुवर्ड जो है ज्यादा कस्टमाइज्ड किए जाएंगे। मोस्टली 17 इंच में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और अगर वो नहीं भी होगा तो हाई क्वालिटी हार्डवेयर लैपटॉप्स जो है दोस्तों उसमें ही ये वाले प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा दोस्तों ये वाले जो लैपटॉप हैं काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि महंगे होने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप पुराने i9 के लैपटॉप्स भी देखें इंडिया में तो दोस्तों उनकी कीमत लगभग 3-4 लाख ऐसे ही मतलब जो है फ्लोट करती रहती है। बाय द वे दोस्तों, मैंने कुछ बजट लैपटॉप्स के लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में यहां तक पहुंच गए हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों जो कि इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से थोड़ी अलग है, राइट। मैंने कई सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, वहां पे उन्होंने ये बताया कि 35 वॉट TDP वाले जो लैपटॉप्स हैं इट्स नॉट ए राइट टाइम टू परचेज देम नाउ, ठीक है, वी शुड वेट फॉर 45 वॉट TDP लैपटॉप्स। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में गेमिंग लैपटॉप्स मोस्टली लोग ये सोच के नहीं खरीदते कि गेमिंग करनी है, उनका सीधा साधा एक ही टारगेट रहता है कि ऑलराउंडर लैपटॉप चाहिए, कहीं कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए जो कि गेमिंग लैपटॉप्स कंपैरेटिवली देते हैं व्हेन इट कम्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ये सोच के लोग खरीदते हैं और मोस्ट ऑफ दी एंट्री गेमिंग लैपटॉप्स जो हैं दोस्तों यहाँ पे इंटेल में इंडिया में जो है उनकी सेल होती है। तो यहाँ पे लोगों को परफॉर्मेंस का ध्यान न रखते हुए बढ़ती कीमतों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, राइट। आप खुद ही देख सकते हैं कि एक एवरेज सा लैपटॉप भी अगर आप इंडिया में लेने जाएं दोस्तों तो आज के टाइम पे मैं बताना चाहता हूं कि लगभग उसकी कीमत 70 से 75 हजार रुपए के बीच में आपको देखने को मिल रही है। डेफिनेटली इससे थोड़े बहुत सस्ते शायद से एक दो मॉडल आपको देखने को मिल जाएं, लेकिन हो सकता है कि वो प्योरली हार्ड डिस्क बेस्ड हो, लेकिन आप SSD बेस्ड एक अच्छा लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन, मैं कहूंगा एक डिसेंट लैपटॉप स्पेसिफिकेशन जो कि लोग समझते हैं कि हाँ भाई इसके हार्डवेयर में दम है, तो वो भी जो है 70 से 75 हजार रुपए के बीच में चालू हो रहा है, जबकि कुछ साल पहले ऐसे ही लैपटॉप जो हैं दोस्तों 50 से 55 के बीच में लॉन्च होते थे। तो हमारी चिंता का विषय जो है दोस्तों ये होना चाहिए कि बढ़ती जो बेसिक लैपटॉप की कीमतें हैं, जो सबसे बेस एंट्री लेवल वेरियंट जो इंडिया में आ रहे हैं उनकी कीमतें धीरे धीरे 80 हजार तक पहुंच रही है, तो वो चीज चिंता का विषय है, ना कि दोस्तों ये सारे लैपटॉप्स जो कि आप ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स i7 वाला जो ये 8 कोर वाला लैपटॉप है दैट विल डेफिनेटली कॉस्ट समवेयर अराउंड 1,60,000 प्लस। तो इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये जो खरीदना चाहता है दोस्तों वो अभी तक रुका हुआ है, उसके पास उतना बजट है। लेकिन फॉर अदर पीपल मैं कहूंगा कि डेफिनेटली दोस्तों इंटेल के लैपटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं तो जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज प्राइस यहाँ पे मैटर कर जाती है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल से 5-10 हजार रुपए का अंतर आ रहा है, है ना, ये अंतर आपको 1 लाख तक का भी देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीजों के पीछे ना भागिए, यू शुड बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर परचेसिंग बजट लैपटॉप्स इफ यूर बजट इज नॉट दैट ग्रेट। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस की 35 वॉट TDP प्रोसेसर्स में। तो ये जो है पिछले साल के राइजन के 4000 सीरीज का जो सिंगल कोर प्रोसेसर था दोस्तों उसके काउंट को जो है दोस्तों ये बिल्कुल बीट करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।